News 18, India. आला पुलिस अधिकारी है पंजाब के, जो न्योता लेकर आए हैं, वो बातचीत कर रहे हैं और वो ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कितने जो किसान हैं वो जाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर ये बात क्लियर हो चुकी है कि अगर सरकार ने आगे से बुलाया है बातचीत के लिए तो बकायदा किसान नेता बातचीत के लिए जाएंगे। लेकिन वक्त क्या होगा, कहां पर मुलाकात होगी, कितने किसानों की मुलाकात होगी, किन किन मंत्रियों से मुलाकात होगी, अभी ये वो चार सवाल हैं जिनके जवाब खोजने बाकी है। लेकिन एक तरफ यहां किसान और सरकार की बातचीत, आंदोलन, ये सारी बातें बड़ी खबर है, समझ में आती है। लेकिन दूसरी तरफ वो तमाम लोग जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी, उसके यापन के लिए, अपने कामकाज के लिए जो सड़कों पर उतरे हैं, वो सबसे ज्यादा त्रस्त है। क्यों त्रस्त है? सारे बॉर्डर सील कर दिए गए हैं, लोगों की जो आवाजाही होती है उस पर कंप्लीटली ब्रेक लग गया, और कंप्लीट ब्रेक नहीं लगा है तो ऐसा ब्रेक लग गया है कि गाड़ियां एकदम सड़कों पर जाम हो गई है। मैं गुड़गांव और धौलाकुआ की बात कर रही हूं, वहां पर अभी भी स्थिति यह है कि गाड़ियां आगे बढ़ ही नहीं पा रही है। रवि सिंह मेरे सहयोगी वही ग्राउंड जीरो से मौजूद है, उनका रुख करते हैं। रवि, क्या तस्वीरें दिखा रही है अभी? रूपका, सबसे पहले मैं यहाँ पर तस्वीरें दिखाऊंगा। ये देखिए, कैमरा पर्सन चंदन दिखाएंगे कि ये तस्वीरें हैं। एक तरफ मेट्रो की आवाजाही आप देख रहे हैं जो एयरपोर्ट लाइन है, लेकिन दूसरी तरफ गाड़ियों की जो आवाजाही है वो बहुत स्लो है, बहुत स्लो है। बिल्कुल चीटी की रफ्तार से ही गाड़ियाँ जा रही हैं दिल्ली की तरफ। ये आपको मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये स्थिति है बिल्कुल गुड़गांव से, जब गुड़गांव से दिल्ली की तरफ गाड़ियाँ कूच करती हैं, लोग जाते हैं उसकी वजह। और ये दोपहर का वक्त है, ये पीक टाइम नहीं माना जाता है, और इस वक्त, क्योंकि अगर 9:30 बज रहा होता तो अलग बात है, लेकिन इस वक्त जब अमूमन ऑफिस का टाइम निकल चुका होता है, उसके बावजूद इतनी ज़्यादा ट्रैफिक जाम है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि कई ऐसे बॉर्डर हैं जो खास करके हरियाणा से जुड़े हुए हैं और दिल्ली की तरफ आते हैं, वो उनको सील किया गया है किसानों के आंदोलन की वजह से, चाहे गाजीपुर हो, टीकरी हो, चाहे सिंघू बॉर्डर हो। और इसकी वजह से तमाम ऐसे रूट हैं उनको डाइवर्ट किया गया है, तो लोग जिनको जहां पर भी रास्ता मिल रहा है वहीं से आगे बढ़ने की कोशिश हर लोग कर रहे हैं। तो यहां पर स्थिति इस समय काफ़ी ख़राब हो चुकी है। ट्रैफिक जाम के अगर हम नज़रिए से देखें तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम की स्थिति इस समय गुड़गांव और धौलाकुआं के आसपास देखने को दिख रहा है, मिल रहा है। रूबिका, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर लोगों को परेशानी होती हुई नज़र आ रही है, और ख़ासकर उन लोगों को जो या तो दिल्ली से गुरुग्राम जाना चाहते हैं या फिर वहाँ हरियाणा से, क्योंकि वो हिस्सा वहीं का है लेकिन NCR कहलाता है, नेशनल कैपिटल रीजन कहलाता है, वहाँ से अगर लोगों को दिल्ली की तरफ आना है तो ये दो जगह से आवाजाही पूरी तरीके से प्रभावित होती हुई नज़र आ रही है। घंटों घंटों का जाम लग रहा है। और रवि, ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब ट्रैफिक की स्थिति होती है वो तब होती है जब आपका ऑफिस टाइम होता है, और अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ 12:17 हो रहे हैं, अगर तब भी इतनी जाम की स्थिति है तो इसे खुलते खुलते तो फिर शाम हो जाएगी और फिर वापस ऑफिस आवर आ जाएगा, फिर वही जाम वाली स्थिति। अच्छा, रवि जो है उनसे मेरा संपर्क टूट गया है, मानव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मानव, एक तरफ देखिए आप किसानों के बीच में हैं, वहां पर आंदोलन चल रहा है, वो एक अलग ही माहौल है, दूसरी तरफ वो लोग भी हैं जिनका शायद इससे कोई लेना देना नहीं है, जिनके जीवन में दूसरी बहुत सी और दिक्कतें हैं, या जो जीवन यापन के लिए जा रहे हैं, कड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। क्या किसानों को, इन आंदोलनकारियों को इस बात का एहसास है, स्पेशली तब जब सरकार और इनके बीच में बातचीत तो चल ही रही है ना? बिल्कुल, देखिए खासतौर से जिस सड़क के ऊपर मैं खड़ा हुआ हूँ, ये रास्ता अमृतसर तक जाता है दिल्ली से होता हुआ, और हजारों लाखों की तादाद में यहाँ से गाड़ियाँ गुजरती है, और ऐसे में इस रास्ते का ब्लॉक हो जाने का असर क्या पड़ता है आप आसपास के गांव वालों से पूछिए, क्योंकि वहाँ संकरी गलियाँ हैं, उन गलियों में बड़े बड़े ट्रक और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ वहाँ से गुजरती है, तो उनको भी दिक्कत होती है। दूसरा, तकरीबन 150 किलोमीटर का ये पूरा फेर पड़ जाता है। अम्बाला जब आप दिल्ली की तरफ से आते हैं तो आपको शाहबाद से आपको पहले कट करना होता है, आप जीरकपुर जाते हैं चंडीगढ़ के पास, फिर वहाँ से होते हुए फिर आप वापस आते हैं, तो एक लंबा फेर है। लेकिन किसान नेता जब पूछते हैं कि सड़क जाम हो गई, तो किसान नेता ये कह रहे हैं कि सड़क हमने जाम नहीं की है, ये सड़क तो हरियाणा सरकार और हरियाणा पुलिस ने जाम किया, हम तो दिल्ली जाना चाहते हैं। तो दोनों तरफ से ये बयान आता है, लेकिन कहीं ना कहीं असर लोगों की जिंदगी पर जरूर पड़ रहा है। और इस असर के बीच एक अच्छी खबर यह है कि अब एक बार फिर से बातचीत की तरफ रास्ता मुड़ चुका है, क्योंकि लगातार हमने देखा कि चार दौर की जो बातचीत अभी तक हुई है, बातचीत की तरफ जो ये रास्ता मुड़ता हुआ दिख रहा है। मानव, प्लीज एक और बात बता दीजिए ना, तो क्या किसान वहां से हट रहे हैं?
क्योंकि ये सब बॉर्डर पर जाकर इकट्ठे हो गए होंगे ना, अब क्या उनसे ये कहा जा रहा है कि धीरे धीरे आप पीछे की तरफ हटना शुरू करो? देखिए जब पंजाब पुलिस, युगल आप तस्वीरें दिखाती रहेगा, देखिए जब पंजाब पुलिस की तरफ से ये मैसेज इनको मिला कि केंद्र सरकार आपसे बातचीत करना चाहती है, हाँ। तो उस वक्त यहाँ पर थोड़ी देर के लिए लोग रुके, लेकिन उसके बाद 10:58 पर आंसू गैस के गोले चल गए, उसके बाद कृषि मंत्री का ट्वीट आया, उसके बाद यहाँ से संबोधन हुआ और 4 से 5 बार संबोधन हुआ कि रुकिए, थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा संयम रखिए, अभी आगे नहीं बढ़ना है, दिल्ली कूच नहीं करना है, क्योंकि एक बार फिर से सरकार की तरफ से या किसानों की तरफ से अपील की गई थी हमसे बातचीत करिए, तो बातचीत की जा रही है। तो अभी यहाँ पर सब कुछ माहौल पूरी तरह से शांत है, फिर संबोधन यहाँ पर चल रहा है, जो युवा है वो भी अपनी रेंज में आके पाकिस्तान, माफ कीजिएगा, मैं माफी चाहूंगा इस शब्द के लिए, पंजाब की सीमा में आकर लोग वहां पर रुके हुए हैं, और यहाँ पर अब देखिए तो पूरा ये माहौल एकदम शांति पूर्ण हो चुका है। किसान नेता ये कहकर यहाँ से गए हैं पंजाब पुलिस के अधिकारी के साथ बातचीत करने के लिए कि आपके जिम्मे ये सब कुछ है, आपको माहौल नहीं खराब करना है, हिंसा नहीं खराब करनी है, हिंसा नहीं करनी है, और ये दबाव उन किसान नेताओं के ऊपर लगातार बना हुआ है, क्योंकि हजारों की तादाद में रुपिका ये भीड़ है यहाँ पर, और बीते 9 दिन के आंदोलन में आज का दिन सबसे अहम इसलिए है क्योंकि आज इनको दिल्ली कूच करना था, और सबसे ज्यादा ट्रैक्टर ट्रॉलियां, सबसे ज्यादा मशीनरी आज इस आंदोलन में यहाँ पर शामिल हुई है, तो कहीं ना कहीं दबाव उन किसान नेताओं के ऊपर भी है, और वो लोग भी चाहते थे कि बातचीत हो। अब जब संदेश आ गया है तो पुलिस के साथ ये मंत्रणा हो रही है कि वो समय क्या होगा, बैठक आज शाम को ही हो जाएगी या कल भी होगी, लेकिन मैसेज आ गया, ये अपने आप में बहुत काफी है, और किसान नेता यहाँ से बोल के गए हैं कि आप शांति बनाए रखिए, हम सरकार के साथ बातचीत करने के लिए एक बार फिर से जा रहे हैं। मानव, एक तो हम सब इस बात को समझ सकते हैं कि जब बॉर्डर का मामला आता है तो पड़ोसी मुल्क का नाम सबसे पहले जहन में आता है, क्योंकि आज जब हम बॉर्डर का जिक्र कर रहे हैं तो वो 2 स्टेट्स की बॉर्डर है, और इसीलिए हो ये जाता है कि जब आप ये कहते हैं कि हम दिल्ली कूच करेंगे तो फिर एक स्टेट जो है वो अपनी बॉर्डर को पुख्ता करता है, और फिर आपको मैं ये जानकारी दे देना चाहती हूं कि यहां ये आंदोलन की वजह से, प्रदर्शनकारी किसानों की वजह से, दिल्ली में आने से रोकने के लिए जो इंतजाम किए गए उसकी वजह से जाम की सिचुएशन बड़ी खराब चल रही है। बॉर्डर पर गाड़ियों की लंबी लंबी लाइन देखी जा रही है, और ये तस्वीरें आपके सामने आप देख लीजिए, भले ही वहां पर किसान नेता कूच नहीं कर रहे हैं लेकिन पुलिस की तो पुख्ता तैयारी थी ना, तो सारे बॉर्डर्स को उन्होंने सील कर दिया है, तो कई बार क्या हो रहा है, डायवर्जन हो रहा है, और डायवर्जन की वजह से एक जो रूट है वो पूरा का पूरा बॉटल नेक की तरह नजर आ रहा है, जहां पर गाड़ियां रेंग रही है, एक ही काम हो रहा है, या तो क्लच पर पैर रख रहे हैं और जैसे ही क्लच से पैर रखता है वापस ब्रेक पर लग जाता है, क्योंकि एक्सेलरेटर का तो कोई मामला ही सामने नहीं है, इतना धीमा इस वक्त ट्रैफिक नजर आ रहा है। ये 2 तस्वीरें स्क्रीन पर आपके सामने हैं, ये दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर है, यानी हरियाणा और दिल्ली का वो बॉर्डर जहां पर भले ही किसान इस वक्त मौजूद नहीं है लेकिन किसानों को रोकने के बंदोबस्त की वजह से और किसानों की जिद की वजह से कि हमें तो दिल्ली जाना ही जाना है। हालांकि अब बड़ी खबर और जो सुकून की खबर है वो ये है कि सरकार ने आमंत्रित किया है, किसानों ने अब बैठक शुरू कर दी है कि कब जाना है, कितने किसानों के साथ जाना है, तो आज शाम को कुल मिलाकर बैठक चंडीगढ़ में हो सकती है, लेकिन आपको, यानी जो लोग गाजीपुर, दिल्ली नोएडा और दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर मौजूद हैं, गाड़ी में मौजूद है, थोड़ी दिक्कत होगी और उस दिक्कत के लिए आपको तैयार रहना होगा। किसान कह रहे हैं हम नहीं कर रहे हैं, पुलिस कर रही है, पुलिस कह रही है हम कैसे कर रहे हैं, भाई आप जब यहां आने की कोशिश करेंगे तो रोकना पड़ेगा ना। आप देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया।